स्कूल की छुट्टियां होने के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जयपुर हाउस स्थित आलोकनगर के शेम किड्स प्री स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। यह समर कैंप 15 दिनों तक चलेगा। इस समर कैंप में स्कूल के अलावा अन्य बाहर के 40 से अधिक छात्र छात्राएं भी भाग ले रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के समर वैकेशन को खास बनाने के लिए जयपुर हाउस स्थित आलोक नगर के शैम किड्स प्री स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया है। यह समर कैंप 15 दिनों तक चलेगा। इस समर कैंप में स्कूल के अलावा अन्य बाहर के 40 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। इस समर कैंप के दौरान छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की सभी को एक्टिविटीज कराई जाती है। स्केटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी एक्टिविटीज यहां होती हैं, जिनमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। 2 साल से 5 साल तक और 6 साल से 16 साल तक के बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ खेल कूद भी कराया जाता है, जिसका संचालन नेशनल कोच अशोक कुमार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ प्ले ग्रुप के 2 सेक्शन चलते हैं, नर्सरी एंड केजी। इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं सर, हम बच्चों को एक्टिविटी क्लासेस भी देते हैं, इवनिंग क्लासेस भी यहाँ चलती हैं जिसमें हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें ड्राइंग, कलरिंग, हैंड राइटिंग, क्राफ्ट। कितने स्टूडेंट्स होंगे? हमारा जो अभी फ़िलहाल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 80+ है। लास्ट ईयर जो हमारा बैच गया है स्कूल का वो 100+ था। अभी जो समर कैंप है इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें अराउंड 30-40 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं। जो हमारे नेशनल कोच हैं अशोक कुमार जी, वो बच्चों को चेस खिलाते हैं और कैरम, और आपने देखा होगा अभी बाहर स्केटिंग भी चल रही है। तो ऑलराउंडर हैं हमारे जो कोच हैं, और जो हमारी टीचर्स हैं वो इनसाइड अंदर रूम्स में बच्चों को हैंड राइटिंग, कलरिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट। प्रधानाचार्य सुमन फौजदार ने बताया कि हमारे स्कूल में 15 दिवसीय समर कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें आसपास के सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आसपास के बच्चे ही नहीं बल्कि ईदगाह, अवधपुरी, महारानी बाग, लोहा मंडी, जयपुर हाउस, मानस नगर, पांडव नगर, शाहगंज, जगदीशपुरा, पुष्पांजलि सभी जगह के बच्चे हर साल शैम किड्स प्री स्कूल के 15 दिवसीय समर कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एंड दिस इज़ आर 9th समर कैंप, और सब बच्चे वेट करते हैं कि शैम किड्स में कब समर कैंप लगेगा। बहुत एक्साइटेड होते हैं वो ज्वाइन करने के लिए। हमारे एलुमनी स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी ज्वाइन करते हैं। और स्केटिंग के साथ साथ यहाँ योगा, जुम्बा, डांस एंड क्राफ्ट वर्क, ड्राइंग, लिपन आर्ट एंड हैंड राइटिंग पे फोकस करा जाता है। और बेसिकली अभी हम लोग मैं जो करा रही हूँ वो एक योगा, जुम्बा और डांस करा रही हूँ। यहाँ 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं बच्चे। 1 इज 3 to 5 ईयर्स एज ग्रुप एंड 2nd इज फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स एज ग्रुप। टाइमिंग है 8 to 9। 2 ग्रुप्स हैं हमारे स्मॉल किड्स के लिए, 3 to 5 ईयर्स जो एज है 8 to 9 एंड 9 to 10 फॉर द सीनियर ग्रुप। जैसे देख रहे हैं आप, बहुत कुछ योगा में बच्चों को बताया जाता है ताकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रहे। ये जो ऑफ सीज़न होता है, जो वेकेशंस होती हैं, वो फिज़िकली एक्टिव रहें, और डांस में भी वो आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं ताकि आगे वो किसी भी मंच को हासिल कर सकें। यह शैम किड्स प्री स्कूल का 9वां सीज़न चल रहा है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की सभी को एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। 2 साल से 5 साल तक और 6 साल से 16 साल तक के बच्चों के ग्रुप बनाए गए हैं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।